हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको ईस्टर्न यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सबसे छोटी यूरोपियन कंट्री कहा जाता है। वो देश जो भले ही बाकी यूरोपियन देशों से थोड़ा गरीब है, लेकिन शराब के कारोबार के मामले में इस देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहां दुनिया का सबसे बड़ा शराब का भंडार है। शराब का कारोबार यहां धरती के नीचे किया जाता है, और तो और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराब इसी देश के लोग पीते हैं। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यहाँ के बिल्डिंग्स बॉटल के आकार जैसे हैं। इंटरनेट स्पीड के मामले में ये देश यूरोप का नंबर वन देश है, लेकिन एक गरीब देश होने की वजह से यहाँ कोई घूमने आना पसंद नहीं करता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के खूबसूरत देश मोल्डोवा की। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला यूरोप में ऐसा कौन सा देश है जो इतना गरीब है और वहाँ कोई घूमना पसंद नहीं करता। वो देश मोल्डोवा ही है। हालांकि मोल्डोवा की कई खासियतें भी हैं जो इस देश को अलग बनाते हैं। आज हम आपको मोल्डोवा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मोल्डोवा देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा रोमेनियन मूल का है। इन दोनों देशों में एक जैसी संस्कृति है। देश की मूल भाषा रोमेनियन है, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग मोल्डोवा रशियन भी बोलते हैं। इसके अलावा इस देश में टर्किश भाषा गैगुआज भी बोली जाती है। ये यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन ये देश अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ईस्टर्न यूरोप में रोमेनिया और यूक्रेन के बीच स्थित मोल्डोवा के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये देश अपने जंगलों, पहाड़ों और विनियर्ड्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मोल्डोवा देश को 27 अगस्त 1991 में सोवियत यूनियन से आजादी मिले थे। ये देश नॉर्थ ईस्ट और साउथ में यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जबकि वेस्ट में मोल्डोवा रोमेनिया के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। मोल्डोवा 2.6 मिलियन की कुल आबादी वाला देश है, जहाँ कई जातीय समूह के लोग रहते हैं, जैसे मोल्डोवन, रोमेनियन, यूक्रेनियन आदि। मोल्डोवा कितना गरीब देश है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सभी यूरोपीय देशों में इसकी जीडीपी सबसे कम है। देश की जीडीपी $34,000 से भी कम है। इस मामले में यूरोप के दूसरे देशों से मोल्डोवा काफी पीछे है। इस देश की 90% आबादी क्रिश्चियंस की है। मोल्डोवा में दो काफी फेमस चर्चेस भी हैं, जहां देश के ईसाई समुदाय के लोग 25 दिसंबर के ठीक दो हफ्तों बाद यानी 8 जनवरी को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन के लिए मोल्डोवा के लोग काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। मोल्डोवा की राजधानी है चिशिनोव, और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। 1990 में राजधानी चिशिनोव को भारी तबाही का सामना करना पड़ा था, और 1940 की शुरुआत में लाल सेना के हमले के बाद मोल्डोवा का काफी हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। ठीक उसी साल इस शहर में भारी भूकंप आया, जिसने कई बड़ी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस भूकंप के बाद जर्मन सेना ने मोल्डोवा पर आक्रमण कर इस देश के बाहरी हिस्से को खत्म कर दिया था। इन 2 सालों को मोल्डोवा के लोग किसी बुरे सपने से कम नहीं मानते। मोल्डोवा देश को यूरोप का सबसे गरीब देश इसलिए भी माना जाता है क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में ये देश काफी पीछे है। इस देश में कोई भी घूमना ज्यादा पसंद नहीं करता। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस देश में घूमने की कोई खास जगह नहीं है। मोल्डोवा का मौसम कुछ अलग ही तरह का होता है। अगर यहाँ गर्मी का मौसम है तो गर्मी आपको परेशान कर देगी, और सर्दी के मौसम में इतनी ठंड होती है कि लोग अपने घरों से भी कम ही बाहर निकलते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, जबकि बारिश में इस देश में सूखा रहता है। वैसे तो मोल्डोवा को सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, लेकिन करप्शन इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोल्डोवा सबसे करप्ट देशों में गिना जाता है, जिसके खिलाफ आए दिन लोग यहाँ सड़क पे उतरकर विरोध करते भी नजर आते हैं। और ये भी एक कारण है कि आज तक मोल्डोवा इतना गरीब है। ममलिगा मोल्डोवा की नेशनल डिश है। इसे पीले मक्के के आटे से बनाया जाता है। इसे पारंपरिक रूप से रसीले स्टूज और मांस के व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। डिश के सबसे ऊपर पनीर, टैंगी क्रीम और पॉक क्रैकिंग होता है। ये डिश आपको मोल्डोवा के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में खाने को मिल जाएगा। इसके अलावा अंगूर के पत्तों से बनाया गया सूप भी मोल्डोवा के लोगों को काफी पसंद है। ये सूप यहाँ की पार्टीज में सबसे ज्यादा सर्व किया जाता है। मोल्डोवा के लोग इस डिश को पीना काफी शुभ मानते हैं। दोस्तों, दरअसल मोल्डोवा एक लैंडलॉक देश है, जिसके चारों ओर केवल यूरोप के दूसरे देशों के बॉर्डर हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि मोल्डोवा में कोई भी बीच या पोर्ट नहीं है। ये देश व्यापार केवल सड़कों के रास्ते से ही कर सकता है, और तो और मोल्डोवा के लोगों को बीच पे पिकनिक मनाने के लिए दूसरे यूरोपियन देशों में जाना पड़ता है। मोल्डोवा देश में कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जहाँ से धूप की रोशनी सीधे छन के आते हैं। ऐसे में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना महसूस होता है। इस देश के मौसम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का मौसम अंगूर की खेती के लिए सबसे अच्छा है। मोल्डोवा के बारे में कहा जाता है कि यूरोप में खुलने वाली शराब की हर दूसरी बोतल यहीं की जमीन से आती है। फिर चाहे ईस्टर्न देशों या वेस्टर्न, यहाँ की वाइन सभी को पसंद है। दरअसल यहाँ की वाइन का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस देश में शराब का काम पिछले हजारों सालों से चला आ रहा है। इस बात का दावा कई रिपोर्ट्स कर चुके हैं कि मोल्डोवा में अंगूर की खेती 25 मिलियन सालों से हो रही है।
इतना ही नहीं, इस देश में अंगूर से शराब बनाने का कारोबार पिछले 5000 सालों से चल रहा है। मोल्डोवा में माइलस्टेमिच कम्यून में शराब से कई मील फैली हुई सुरंगें हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा वाइन कलेक्शन धरती के नीचे है, जहाँ 20 लाख वाइन की बोतलें स्टोर करके रखी गई हैं। ये सुरंग पहले एक चूना पत्थर की खान हुआ करते थे। जब खान बंद हो गई तो 1960 के दशक में इसे माइलस्टेमिच वाइन सेलर बना दिया गया। यहाँ रेड वाइन स्टोर करने पे खास तौर पे ध्यान दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सुरंग करीब 200 किलोमीटर लंबे है। माइलस्टेमिच की तरह ही इस सुरंग के पास भी केक्रोवा वाइनरी भी मौजूद है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शराब का भंडार है। ये दोनों ही सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि यहाँ के रास्तों के नाम भी रखे गए हैं। मोल्डोवा का मेन इनकम सोर्स है शराब एक्सपोर्ट करना। इस देश से सबसे ज्यादा वाइन रशिया में एक्सपोर्ट की जाते हैं। करीब 90% वाइन मोल्डोवा रशिया भेजा करता था, लेकिन 2006 में एक विवाद के कारण रशिया ने मोल्डोवा की वाइन पे पूरी तरह से बैन लगा दिया। रशिया के इस फैसले के बाद मोल्डोवा की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अब की जानकारी के लिए बता दें कि बेलारूसियंस के बाद मोल्डोवन दुनिया में सबसे अधिक शराब का सेवन करते हैं। मोल्डोवा में प्रति व्यक्ति हर साल 6.1 लीटर शराब पी जाते हैं। दुनिया के किसी भी दूसरे देश में इतनी शराब नहीं पी जाते। यहाँ के बच्चे भी काफी शौक के साथ वाइन पीते हैं। मोल्डोवा में शराब को लेकर इतना क्रेज है कि यहाँ के लोग अपने देश में नेशनल वाइन डे भी मनाते हैं। ये फेस्टिवल हर साल 3 और 4 अक्टूबर के दिन पूरे मोल्डोवा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हर किसी के लिए शराब के दुकानें और फैक्ट्री खोल दी जाते हैं। कई जगहों पे तो फ्री में लोगों में शराब बांटी जाती है। लोग सड़कों पे जुलूस निकालते हैं। कुल मिलाकर ये दिन मोल्डोवा के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। नेशनल वाइन डे यहाँ के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोल्डोवा ने बिना राष्ट्रपति के 3 साल तक अपने देश को चलाया। इन 3 सालों में मोल्डोवा में न कोई कानून था और न किसी को सरकार का डर। लेकिन 3 सालों के राजनीतिक गतिरोध के बाद मोल्डोवा ने निकोलाई तिमोफ्टी को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया। इस देश में किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की फोटो लेना गैर कानूनी होता है, फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो या कोई सरकारी दफ्तर। अब किसी भी हाल में यहाँ किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की फोटो नहीं ले सकते। अगर कोई इस देश में ऐसा करता पाया जाता है तो उसे बिना कुछ पूछे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। मोल्डोवा में घर आने वाले मेहमानों के लिए अलग तरह की परंपरा होती है। मोल्डोवा के घरों में आप जूते लेकर नहीं जा सकते। यहाँ के लोग आपके जूते लेकर आपको चप्पलों के साथ घर में आने की अनुमति देंगे, और ये चप्पल भी मोल्डोवा की ही होगी। इसके साथ ही मोल्डोवा के घरों में जब कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला ही बच्चे को पहली बार नहलाती है। इसके लिए खास तैयारियां भी की जाती है। बुजुर्ग महिला फूल, शहद और दूध के साथ घर में आए नन्हे मेहमान को पहली बार नहलाती है। ये मोल्डोवा की एक खास परंपरा है। शराब से खास प्रेम रखने वाले मोल्डोवा में कई बिल्डिंग्स भी बॉटल की शेप में हैं। ये एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बॉटल शेप्ड बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी बॉटल शेप्ड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स म्यूजियम भी मोल्डोवा के ट्रिनोका विलेज में है। इसके अलावा मोल्डोवा के क्रेवा के पास एमिल रकोविटा केव दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी गुफा है। इस केव को 1959 में बनाया गया था। इस गुफा की लंबाई 90 किलोमीटर तक की है, जहाँ इस देश के इतिहास से जुड़ी कई सारी चीजें भी रखी गई हैं। मोल्डोवा को लेकर एक खास बात यह भी है कि इंटरनेट के मामले में ये देश बहुत आगे है। 152 देशों की सूची में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड एक्सेस के मामले में मोल्डोवा 3रे स्थान पर है। मोल्डोवा के चारों तरफ घने जंगल हैं, और इन जंगलों में हॉर्नबीम, ओक, लिंडन, बीच, मेपल, वाइल्ड पेयर और वाइल्ड चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। मोल्डोवा में पेड़ों की कोई कमी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के कुछ पेड़ तो 600 साल पुराने भी बताए जाते हैं। साथ ही मोल्डोवा के इन्हीं जंगलों में जानवरों की अलग अलग तरह की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। सुअर, भेड़िये, पैजर, जंगली बिल्लियां, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, कस्तूरी और कई पक्षियों की कई तरह की प्रजातियां इस देश में पाई जाती हैं। यहाँ जानवरों की ऐसी प्रजातियां हैं जो आपको किसी भी यूरोपियन देश में देखने को नहीं मिलेंगे, और इन्हीं में से एक है डेनोथेरियम। इस प्रजाति का सबसे पुराना हाथी मोल्डोवा में ही मिला था। मरने के बाद इस हाथी का कंकाल यूरोप के दूसरे सबसे बड़े म्यूजियम में रखा गया है। अगर आपको बर्ड्स से प्यार है तो मोल्डोवा आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बर्ड्स की 300 से ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, मोल्डोवा के मठ यानी कि मोनेस्ट्रीज काफी प्रसिद्ध हैं। आपको यहाँ कई साल पुराने मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। किप्रियाना मठ मोल्डोवा रिपब्लिक के सबसे पुराने मठों में से एक है, जो 1420 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था। इसकी स्थापना के तुरंत बाद मठ को अलेक्जेंड्रस सेल बना दिया गया था। अब इसे एक रॉयल स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा इस जगह को अलेक्जेंडर द गुड, स्टीफन डेल मार या स्टीफन द ग्रेट और अलेक्जेंड्रियो लुपिनेउ के नाम से भी जाना जाता था। इस देश का इतिहास काफी पुराना है। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि पुराने समय में आज का मोल्डोवा डेसिया का हिस्सा हुआ करता था, जिसके बाद ये रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया। 1917 में रशियन साम्राज्य के विघटन के बाद पहले ऑटोनॉमस
और बाद में इंडिपेंडेंट मोल्डोवियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का गठन किया गया जो 1918 में रोमेनिया के साथ मिल गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सत्ता परिवर्तन के दौर से लेकर 27 अगस्त 1991 को स्वतंत्र होने तक ये देश सोवियत यूनियन का हिस्सा बन के रहा, लेकिन मार्च 1992 में इसे यूनाइटेड नेशंस ऑफ मोल्डोवा में शामिल कर लिया गया। दोस्तों मोल्डोवा की करेंसी है मोल्डोवन लियो जो करीब 4 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों ये था यूरोप का सबसे छोटा देश मोल्डोवा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको मोल्डोवा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हो मोल्डोवा, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।